ये जो पूरी फिल्म है, मैं यश जौहर जी के लिए, वो बहुत डांटते इसकी कॉस्ट पर, लेकिन बहुत प्यार भी करते कि हमने इतनी बड़ी फिल्म हिंदुस्तान के बनाई है। सो दिस फिल्म इज फ्रॉम मिस्टर यश जौहर। किंग खान ने करण के फादर यश जौहर को बेहिचक रावण कर दी थी डेडिकेट। अपने बेस्ट बड़ी करण को किंग खान कभी नहीं भूलते, पर लगता है करण जौहर भूलने लगे हैं किंग खान को। जी हाँ, रिसेंटली करण ने शाहरुख ही नहीं उनकी फिल्मों को भी भुला दिया। करण ने साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में एसआरके की किसी फिल्म का नाम तक नहीं लिया। आखिर क्यों बदल गए हैं वो करण जो कल तक शाहरुख के गुण गाते रहते थे। फिल्म डॉन में अगर आप शाहरुख खान की परफॉर्मेंस देखेंगे, इट्स एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, इट्स ब्रिलियंट एंड सो डिफरेंट फ्रॉम द वे अमित जी इज डन इट। शाहरुख ने अपनी नीश क्रिएट की है एज डॉन। करण ने अग्निपथ के म्यूजिक लॉन्च पर किंग खान को प्रेस तो कर दिया, पर लगता है करण को एसआरके की परफॉर्मेंस अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस नहीं लगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर करण ने दिल की कुछ और ही बात कही है। करण ने इस साल अवार्ड की हकदार फिल्मों की लिस्ट गिनाई है, पर उसमें शाहरुख खान नहीं है। ये देखिए, करण के मुताबिक इस साल रणबीर कपूर को इनकी फिल्म रॉक स्टार के लिए और विद्या बालन को डर्टी पिक्चर के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। वहीं इस साल की बेस्ट सॉन्ग का दर्जा मिलना चाहिए छम्मक छल्लो को। लेकिन लगता है कि छम्मक छल्लो के लिए करण का ये प्यार रावण का सॉन्ग होने की वजह से नहीं, बल्कि करीना कपूर की वजह से है। अब क्या वाकई करण भी किंग खान की बाकी दोस्तों की तरह उन्हें भूल गए हैं, या फिर करण अपने दिल को किनारे रखकर ऑब्जेक्टिवली गिना रहे हैं इस साल की बेस्ट परफॉर्मेंसेस? ये तो करण ही बेहतर बता सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि रावण भले ही एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल पाई, पर कम से कम करण को तो जरूर सपोर्ट करना चाहिए था अपने फ्रेंड और बेस्ट बड़ी किंग खान को। सलमा खान, जूम, मुंबई।